याद रखना आप कितने पढ़े लिखे हैं पर कैसी मूर्खता पूर्ण बात करते हैं। 21वीं सदी में भी कोई इतना मूर्ख होगा हमें अच्छा नहीं लगता सुन के। आप कहते हैं हमारी देवी को बलि चढ़ता है, देवी को बलि, याद रखना भक्तों किसी भी वेद पुराण में किसी भी शास्त्रों में बलि का विधान नहीं है। आप कहते हैं हमारी देवी को बलि चढ़ता, कहां लिखा बता दो हमें, हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। किसी भी देवी देवता को बलि नहीं लगती। यदि बलि चढ़ानी ही है तो बकरे ने क्या बिगाड़ा है, अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपने लोभ की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ। और बलि चढ़ाना ही है तो बकरे की क्यों, अपना सिर काट के चढ़ा दो ना, देवी जल्दी खुश हो जाएगी। अपनी बलि क्यों नहीं, बकरे की क्यों, अपनी बलि चढ़ाई जाए। कोई देवी नहीं मांगती बलि, ये अंधविश्वास समाप्त करिए। 370 धारा चली आई चली आई चली आई, मोदी जी ने बंद कर दी। पुरानी गलत परंपराएं चालू थी समाप्त कर दिया। जो भी गलत परंपराएं भारत ने पकड़ रखी हैं उन सारी परंपराओं को मिटाना होगा, तब सशक्त भारत का निर्माण होगा, एक अच्छे भारत का हम निर्माण कर पाएंगे। ये गलत परंपराएं, बकरे को मार डालना गलत बात है, कहीं देवी नहीं चाहती बकरे को मारना। मारना है अपने अहंकार को मारो। और हम तो कहते हैं अपने घर के बूढ़ों को मार दो, जनसंख्या भी कंट्रोल रहेगी, देवी भी खुश हो जाएगी। बकरे को क्या मुंह कह बेचारा, आदमी की बलि चढ़ाओ ना, अपने घर परिवार में जो बूढ़े हो गए उनको मार दो, बना के खा लो उनका मांस। बकरे ने क्या बिगाड़ा आपका, बकरे की क्यों। रावण भी बलि चढ़ाता था पर अपना सिर काट के अपनी बलि चढ़ाता था, ना कि बकरे की। हम कहते हैं बलि चढ़ाना है अपने अहंकार की, अपने क्रोध की, अपनी बुराइयों की, और फिर भी पेट ना भरे तो अपने आप की बलि चढ़ा दीजिए। महाकवि कालिदास ने अपनी जिह्वा की बलि चढ़ाई थी, समय नहीं है, नहीं पूरा बात सुनाता मैं आपको। कालिदास ने जिह्वा चढ़ाई थी इसलिए विद्वान बने वो मूर्ख से।